3, 2, 1 गो। तो हे गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो यार आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है, क्योंकि जो मेरी स्ट्रीम देखता है ना उसको पता है कि अपन पिछले 5 स्ट्रीमों से अपन क्या कर रहे हैं। अपन बना रहे थे एक बहुत ज्यादा बड़ा मॉडर्न हाउस, जो मैंने भाई जिंदगी में कभी माइनक्राफ्ट में इतनी मेहनत नहीं करी जितनी इस घर में मैंने मेहनत करी। भाई 4-4 घंटे की स्ट्रीम करी थी, 5 स्ट्रीमें कोई 3 घंटे की थी पता है मेरे को, लेकिन कोई 4 घंटे की थी, कोई 2.5 घंटे, कोई 3 घंटे ऐसे। भाई खूब मेहनत कर ली भाई इस पे घर पे, और भाई मैंने पहले कभी इतनी मेहनत नहीं करी माइनक्राफ्ट के अंदर किसी भी पे। तो भाई अब मैं ना मतलब पूरा घर कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। मैं मतलब उस पोजीशन पर आ गया जहाँ से पूरा घर दिखता है, और यहाँ से ये ऐसा घर दिखता है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। भाई तुम देख के बौखला जाओगे भाई, एकदम पागल हो जाओगे भाई, ठीक है। 3, 2, 1 गो। क्या लग रहा है भाई ये ओ भाई, इतने टाइम से अब मैं भाई इसके अंदर जाऊंगा भाई, इतने टाइम से मैं बता रहा था, इतने टाइम से मैं वहाँ वो जगह दिख रही है तुमको, वो इधर बस यही मेरा ठिकाना था भाई। ये इतनी सारी चेस्ट पड़ी, इसमें बहुत सारा सामान पड़ा है भाई इस घर का, अभी भी बचा हुआ है। और भाई देखो भाई कैसा लग रहा है, मतलब मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया है, जैसे कि तुम ये देख सकते हो ये चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये पूरी दीवार पे, ये देखो पूरी दीवार पे, यहाँ से पूरी दीवार पे मेरे को खूब आयरन लगा है, इसमें खूब आयरन है ना। और उसके बाद में कोई बात नहीं भाई, अब जो लग गया वो लग गया भाई। जो ये घर बनाना भाई, सही बता रहा हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था मैंने भाई। ये देखो क्या लग रहा है भाई, ये घर क्या लग रहा है। तो अब मैं तुमके पूरा टूर करवाने वाला हूँ, ठीक है, इस घर का। तो भाई जो अपनी एंट्री होती है ना, अपनी एंट्री होती है इस जगह से, ठीक है। यहाँ से अपन चलते हैं, और यहाँ से सबसे पहले अपन चलते हैं नीचे की तरफ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो अपन खूब लड़ाकू एकदम, मतलब बहुत बहुत पिलेजर के लीडरों को पेला है अपन ने बहुत, है ना, ठीक है। अभी ये साइन तुम्हें, वही चित्र तुम्हें वही दिखाता है। अब इधर अंदर चलते हैं, तो ये देखो भाई क्या लग रहा है भाई, ये देखो इधर अंदर आते तो ये हमारा छोटा स्विमिंग पूल, कि जब भी भाई खेलते खेलते भाई मन कर जाए भाई नहाने का, तो ये नहाने के लिए, ठीक है गाइस। तो जैसे कि तुम देख रहे हो इधर भी अपने लड़ने के बहुत सारे वो लगे हुए हैं जीते हुए के। तो जैसे कि तुम ऊपर देख रहे हो, ये अपना झूमर, डिफरेंट डिज़ाइन का झूमर है ये अपना ऊपर। और यहाँ से ये बड़ा सोफ़ा भाई, नहा के भाई बैठने के लिए भी तो चाहिए ना, तो सोफ़ा है यहाँ पे। फिर इधर आगे चलते, तो जैसे यहाँ पर तुम देख सकते हो यहाँ पर भी ये लगे हुए आगे, इधर भी सोफ़े और इधर भी सेम ऐसा, इधर और जने आ जाए तो इधर भी सोफ़े। और पूरे में लाइटनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रखी है पूरे में। और यहाँ पर अपन करते हैं बॉलिंग, वो लगे अपने वो, इनको अपन बॉल यहाँ से बॉलिंग करेंगे और उनको अपन घेरेंगे तो वो नीचे गिर जाएंगे। तो और यहाँ पर अपन ने ऊपर लाइटिंग देख लो एकदम पूरी, मतलब ये हो गया नीचे आराम करने का, खेलने का, ठीक है। अभी अपन यहाँ से चलते हैं ऊपर, ठीक है गाइस। तो यहाँ से अपन सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो ये तो हो गया अपना स्विमिंग पूल। अभी भाई मैंने ना ये मेरे को 2 मिली थी अभी घर बनाते वक्त ही, बट फिर मैंने इनको स्विमिंग पूल में डाल दिया थोड़े दिनों के लिए। अब मैं इनको अंदर शिफ्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं, फिर अपना ये नहाने का स्विमिंग पूल बन जाएगा, और यहाँ पर अपन आराम से सनशाइन का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर बैठे बैठे। फिर यहाँ पर चलते हैं, तो ये देखो ये अपना छोटा सा एक टेंट, इसके नीचे अपन को और लेटने के भाई बहुत औजार बनाए अपन ने, बहुत लेटा लाटी कर सकते इधर, इतने पौधे एकदम सुंदरता बढ़ाने के लिए घर के। और ये देखो भाई क्या लग रहा है घर एकदम, अरे कहाँ गिर गया, पीछे नहीं देखा भाई, ज़्यादा ही खुशी हो रही है कुछ। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से अपन चलते हैं घर के अंदर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारी होगी मीटिंग, जो भी हमारे SMP में जो भी हमारी मीटिंग्स होगी ना, वो हम यहाँ पर करने की सोच रहा हूँ मैं, यहाँ पर करें हम। तो उसके बाद में फिर जैसे कि तुम पीछे देख रहे हो किताबें लग रही है, अब मीटिंग के लिए भाई कुछ चाहिए ना, कुछ किताबें भी, मतलब पढ़ वढ़ के फिर आराम से मीटिंग करेंगे सोच समझ के। तो अपन वो पीछे किताबें, तो उनका इस्तेमाल अपन आराम से कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ से चलते, ये आ गया अपना किचन। तो गाइस देख रहे हो ये अपना पूरा किचन है, इधर अपन खाना वाना पकाएंगे बढ़िया एकदम मस्त। ये अपना फ्रिज है, लेकिन अब इसमें चाबी लगी हुई है, मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता। और ये अपनी दूसरी टेबल है, और ये अपनी ऑटोमेटिक चेयर है, इसके ऊपर बैठते ही अपने आप चेयर में तब्दील हो जाती है, जैसे तुम देख रहे हो इधर पूरी चेयर बन गया। अब इस पर हटते ही अपने आप वो हट जाएगा, मतलब काफ़ी बढ़िया है एकदम। प्रेशर प्लेट मतलब कुछ नहीं, प्रेशर प्लेट तो है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ से तुम देख सकते हो, यहाँ पर अपन चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये मतलब धरती पे किसी को भी नहीं पता होगा। मानो तुम्हारे घर पे 3 जने आते हैं, तुम्हारे घर पे ऐसा सोफ़ा है, तुम 3 जनों को बैठा दोगे, ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारे घर पे जने ही 2 आएंगे, तब तुम उनको 3 सोफे पे, मतलब 3 जनों के सोफे पे क्यों बैठाओगे। तो इसीलिए मैंने बनाया ये,
जिसके ऊपर तुम एक बंदे को इधर और दूसरे बंदे को उसके साइड में ऐसे बैठा सकते हो ताकि तीसरे बंदे की जगह ना बचे। क्या बोला तूने? समझ रहे हो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का मतलब सोफा बनाया मैंने, बहुत बहुत बुद्धि लगी थी इसमें बनाने में। और फिर यहाँ पर देख रहे हो तुम, सर्दियों के अंदर गर्मी लेने का वो है ये साधन, तो ये अपने बढ़िया से चिमनी टाइप हो गई। तो इसके बाद में अपन यहाँ से चलते हैं, ये अपने बैम्बू घर में ग्रीनरी भी है अपने बढ़िया एकदम। अभी यहाँ से चलते हैं, एक सेकंड पूरा तो दिखाया नहीं भाई, ये अपना पीछे का बैकयार्ड, मतलब बैकयार्ड तो ये भी नहीं है वैसे हाँ ये बैकयार्ड ही बोल लो तुम। अरे कहना क्या चाहते हो? इधर अपन खेल कूद कर सकते हैं बढ़िया, जॉगिंग वॉगिंग रनिंग वनिंग। तो भाई जी जो तुम देख रहे हो ना, इस जगह पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं इसको क्या बनाऊँ, या तो मैं इसको चेस्ट रूम बनाऊँ या फिर मैं इसको शोकेस टाइप का रूम बनाऊँ, मतलब जहाँ पे मैं अपने सूट्स रखूँगा, ठीक है, एक्स्ट्रा सूट्स जो होंगे जो मैं यहाँ रहूँगा। तो यार तुम जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि मुझे यहाँ पर क्या रखना चाहिए, सूट रखनी चाहिए या फिर चेस्ट रखनी चाहिए, ठीक है गाइस। तो ये अपना एक अलग है जिसको अपन बाद में करेंगे, तो अभी अपन यहाँ से चलते हैं। एक सेकंड में तुम्हें पीछे भी दिखा देता हूँ, ये देखो पीछे यहाँ तक पूरा, अपन यहाँ से पूरा ये गली मोहल्ला देख सकते हैं। और फिर यहाँ से अपन जल्दी से अंदर चलते हैं। अब अपन चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर की तरफ। तो जैसे कि तुम देख सकते हो अब अपन ऊपर पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इधर का है ना काँच वाच, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं इधर लगाऊँ या ना लगाऊँ, क्योंकि मैं नहीं लगाता हूँ तो मैं बढ़िया यहाँ से जाके पानी में कूद के ट्राइडेंट से जा पाता हूँ, लेकिन मैं ये लगा दूँगा तो मेरे को पूरा नीचे से जाना पड़ेगा, लेकिन वो एक घर बन जाएगा मेरा, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो पूरी फिनिशिंग बहुत बढ़िया तरीके से दे रखी है, पेंटिंग वेंटिंग। इधर अपना लैपटॉप है, इधर बैठ के अपन माइनक्राफ्ट भी खेल सकते हैं या फिर वैलोरेंट GTA 5 कुछ भी खेल सकते हैं इसके अंदर, समझ रहे हो। तो ये अपने सोफे, मतलब जिसको देखो ये हमने लकड़ी के सोफे इसलिए बनाया कि जिसको गद्देदार सोफे पे नहीं बैठना ना वो ये लकड़ी के सोफे पे बैठ सकता है, जिससे कि उनका एकदम सपाट हो जाएगा मतलब। हाँ तो फिर मतलब हो जाएगा। उसके बाद में तुम यहाँ पर देख सकते हो इधर अपन अपना सामान रख सकते हैं, कोई भी लैपटॉप का चार्जर वार्जर, क्योंकि वो भी तो चाहिए ना यार। फिर उसके बाद में अपन यहाँ चलते हैं, यहाँ पर अपने थोड़े से ये देखो गाइस, यहाँ पर ऊपर कांच है जहाँ पर अपन इधर अपन इस सोफे पे सो भी सकते हैं और इधर सो के पूरा भाई आसमान का नज़ारा देख सकते हैं रात के टाइम, क्योंकि बहुत क्लासी होने वाला है। जैसे कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले दिखाया था रात को कैसा दिखता है ये घर, कोई मुकाबला नहीं है भाई। अब फिर यहाँ पर देखो ये दो व्हाइट और ब्लैक कलर के कारपेट है जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब पता नहीं क्यों अच्छे लग रहे हैं लेकिन लग रहे हैं। और यार ये दो मैंने खाली छोड़ दिया, अभी इनको भी, इनमें भी पौधे वौधे कुछ लगा दूंगा। क्या लग रहा है भाई, क्या क्लासी लुक दे रही है। तो गाइस इसके बाद में आता है अपना मास्टर बेडरूम। तो जैसे कि तुम देख सकते हो ये देखो, ये रहा अपना बेड, ये रहा अपना सामने टीवी, और यहाँ पर अपन आराम से लेट के आराम से अपना टीवी देख सकते हैं। और इसके जस्ट पीछे अपना वॉशरूम, पूरा नहाने धोने का भाई हर चीज़ का। ये देखो ये अपनी इंग्लिश टॉयलेट, उसके बाद में ये बाथटब, इधर छोटे बच्चों का बाथटब, ये बड़े बड़ों का बाथटब, समझ रहे हो। अब इसके बाद में यहाँ इसमें ना थोड़ी लाइटिंग की मेरे को ना कमी लग रही है, जो कि मैं अभी पूरी कर दूँगा। और ये अपनी अलमीरा टाइप जिसके अंदर अपन अपना सामान रखते हैं, और ये नीचे से पूरा ब्लैक कारपेट है जो कि बहुत क्लासी लग रहा है, बस इसमें लाइटिंग की जरूरत है जो अभी करता हूँ। 3, 2, 1 गो गाइस। अब जैसे कि तुम देख सकते हो पूरी लाइटिंग एकदम बहुत बढ़िया हो चुकी है, अब ज़्यादा क्लासी लग रहा है, और नीचे ब्लैक कारपेट तो बहुत ज़्यादा कूल लुक दे रहा है इसको। अब इसके बाद में इधर अपना टीवी है, जैसे मैंने तुम्हें बताया, इधर लेट के आराम से टीवी देखेंगे भाई मौज से। और भाई अभी अपना घर हो चुका है परमानेंटली, मतलब फाइनली भाई एक ऐसा घर, आलीशान घर पूरे SMP के अंदर, जो कि भाई बहुत बड़ा है और भाई दिखने में भी बहुत अच्छा है। मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में ऐसा घर बनाया है और इतनी मेहनत करी है भाई, इसके ऊपर 5 स्ट्रीमें लगा दी मैंने इस पर 4-4 घंटे, जैसे मैंने तुम्हें शुरू में बताया। तो भाई अब मैं इसके अंदर रहना चालू करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक तो यार मैं वहाँ रहता था। देखो मैं तुम्हें हालत दिखाता हूँ भाई क्या हो रखा है, मतलब इस चेस्ट में मैं तुम्हें बताता हूँ, इस चेस्ट में रखता था कांच पानी और ये सब, ठीक है, सिर्फ कांच और पानी का सामान था ना ये। इसके बाद इसमें सिर्फ वाइट कंक्रीट, जो कि अभी जो मैंने इसकी पूरी टॉप वाली छत अभी कंप्लीट करी, तो उसके अंदर मेरे कम से कम 12-13 स्टैक वाइट कंक्रीट के उसमें लग गए, उसकी छत पे लग गए, इतना वाइट कंक्रीट लगा है। उसके बाद में ये ब्लैक कंक्रीट, ये भी बहुत सारा यूज़ हुआ है मेरा, बहुत सारा। उसके बाद में यहाँ चलते हैं, ये देखो सामान, मतलब दिखा देता हूँ भाई क्या क्या है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ अंदाज़ा नहीं है कहाँ पे क्या पड़ा है। ये 3 चेस्ट में सिर्फ कूड़ा होता है मेरे, और बाकी इन 3 चेस्ट में ब्लैक कंक्रीट, वाइट कंक्रीट और कांच, ठीक है, जो कि सबसे मेन है इसके अंदर। तो गाइस अब मैंने तुम्हें पूरा घर दिखा दिया, तो यार हो जा रात हो जा। तो भाई जैसे कि तुमने देख लिया भाई अपना घर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और भाई ये अपनी
जगह है जहाँ से घर सबसे ज़्यादा कूल लगता है गाइज, ये घर सबसे ज़्यादा कूल लगता है। तो भाई मतलब यार प्लीज़ लाइक कर देना भाई, अगर इस चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस घर को बनाने में, मतलब हाँ मुझे पता है भाई लोग ताजमहल बना लेते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, लेकिन भाई मैंने जो ये घर बनाना है ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट टाइप का है भाई, समझो भाई, समझो मेरी बात भाई। मैंने बहुत मुश्किल से ये घर बनाया भाई, क्योंकि मैंने जहाँ से ये घर बनाया था ना उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें कितनी चीज़ चाहिए, तो मतलब मेरे को हर एक चीज़ जब मैं वहाँ लगाने जाता था ना तब मेरे को हर एक चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती जो कभी यहाँ पर होते नहीं। स्प्रूस के पेड़ यहाँ पर उगते नहीं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके स्प्रूस के पेड़ ला लेकर आया, उनको इधर उगा उगा के बड़े करे भाई, फिर उनको काटे, फिर और उगाए, मतलब बेबी स्टार पागल ही होगा भाई ये चीज़ें कर करके। मतलब वहाँ पर जाता हूँ तब मुझे वो पता चलता है अब ये चीज़ लगानी है, अब फिर मैं वो चीज़ ढूंढ के फिर लेकर आता हूँ, फिर वो लगाता हूँ, फिर पता चलता है फिर एक और चीज़ ढूंढनी है, फिर वो मैं लेकर आता हूँ, और फिर मैं एक्स्ट्रा सामान भी नहीं ले सकता क्योंकि फिर पूरा बैग भर जाता है बहुत जल्दी थोड़ी सी देर में जब घर बना रहे होते तब। अरे तो भाई आई होप ये वीडियो तुमको अच्छी लगी, और भाई अगर अच्छी लगी तो भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और भाई ऐसे मिलते रहेंगे ऐसी अनोखी वीडियो और स्ट्रीम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।